हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आज है आपका टेस्ट 21। ठीक है, टेस्ट 20 तक आपका हो चुका है और टेस्ट 20 तक जिस किसी ने भी नहीं किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत वैसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सब जाके वहाँ से टेस्ट लगाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर सारे टेस्ट को विजिट कर सकते हो। ठीक है, और इस वीक यानी संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है वो मैंने पहले बताया हुआ है। टेस्ट 6 से लेकर टेस्ट 10 तक का आपका एक सुपर संडे टेस्ट होगा। ठीक है, आप सभी 6 से लेकर 10 तक को रिवाइज कर लो और तैयार रहो संडे के लिए। चलिए अब टेस्ट 20 के जो भी टॉपर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर राहुल 45 मार्क्स के साथ, दूसरे स्थान पे है निशा 41 मार्क्स के साथ, तीसरे स्थान पे है 39 मार्क्स के साथ शिव, और चौथे स्थान पे हेमंत 38 मार्क्स के साथ, सौरभ 38 मार्क्स के साथ पांचवें स्थान पे, श्वेता 38 मार्क्स के साथ छठे स्थान पे, एके झा 35 मार्क्स के साथ सातवें स्थान पे, नितेश 32 मार्क्स के साथ आठवें स्थान पे, फिल्मी 32 मार्क्स के साथ नौवें स्थान पे और राज 32 मार्क्स के साथ दसवें स्थान पे। ये हैं टॉप 10 स्कोरर्स ऑफ टेस्ट 20। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। उसके बाद फिर स्टार्ट करो आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार आप जान रहे हो, कुतुब मीनार। ठीक है, कहाँ है कुतुब मीनार ये आपको कमेंट में बताना है। तो कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है, आपको वही बताना है उस लोहे के स्तंभ को किसने बनवाया था। कमेंट में आप सभी को क्या बताना है, कुतुब मीनार कहां स्थित है, जल्दी से बताओ। तो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था जो कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास कहाँ है? महरौली में। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, महरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया? अच्छा, वही क्वेश्चन है महरौली, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने डाल के पूछ लिया है। तो अब आपका आंसर क्लियर हो गया, एक मार्क्स तो आपको फालतू का मिल गया, मुझे वापस करो वो मार्क्स जबरदस्ती तुम लोगों को मैंने दे दिया। तो महरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली स्थित लौह स्तंभ बनवाया था, क्योंकि वही लौह स्तंभ है जो कुतुब मीनार के पास है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने करवाया था? गोबर गैस के बारे में आपने बहुत बार सुना है, अब आपको बताना है आविष्कारक कौन है इसका। सर खुजलाना बंद करो और आंसर जल्दी से करो, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? सोच रहे हो कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? तो नाम तो शायद मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा, सीबी देसाई। ठीक है, सीबी देसाई, इन्होंने गोबर गैस संयंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार के नाम से फेमस जो शख्स थे, फिल्म अभिनेता थे, उनका असली नाम था भूषण पांडे। क्या नाम था? भूषण, ठीक है, भूषण पांडे। ठीक है, भूषण पांडे था उनका असली नाम, सॉरी पांडे नहीं था, भूषण पंडित था। ठीक है, भूषण पंडित था उनका ओरिजिनल नाम। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को किस वर्ष हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, ये यहां से आपका क्लियर हो गया। अब आपको बताना है वर्ष कौन सा था वो, तो वर्ष था 1897। ठीक है, 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। तो ये हुआ था कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में, कटक ओडिशा में।
अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आसान सा क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। तो ये क्या गया था, केपलर के द्वारा, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा उपन्यास लिखा था। अगला क्वेश्चन, विश्व में मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखो ये सारे क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं आता होगा, तो इसका मतलब आपका तैयारी वीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, कौन सा है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम, ठीक है, कहाँ है ये, बंगाल में है, तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। बंगाल में स्थित फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जल्दी बताओ, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये था चार्ल्स आयर, कौन था, चार्ल्स आयर, ठीक है, चार्ल्स आयर ये हुए थे फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था ये भी आपको अगले क्वेश्चन में बताना है। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ये हुआ था चंपारण में, कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे विज्ञान दिवस मत समझ लेना इसको, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को, कब मनाया जाता है, 11 मई को हर वर्ष प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अली नगर की संधि किसने अंग्रेज के साथ की थी? अली नगर की संधि सिराजू दौला ने अंग्रेज के साथ की थी, किसने, सिराजू दौला ने, ठीक है, सिराजू दौला ने अंग्रेज के साथ अली नगर की संधि की थी। अगला क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर कहाँ के हैं? रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते हो, लेकिन किस देश के हैं? तो रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के, किस देश के हैं, स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी ये हैं देवदास उपन्यास के लेखक। अगला क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला क्वेश्चन, अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? अकबर बहुत ही छोटी उम्र में सम्राट बन चुका था, आपको बताना है कितने वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे दो तरह के आंसर आपको मिलेंगे, कई जगह आपको 14 वर्ष की उम्र में मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है 13 वर्ष 6 महीना, ठीक है, 6 माह, 13 वर्ष 6 माह के उम्र में ये सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? भारत द्वारा
परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? तो 1974, ये आप सबको पता होगा, लेकिन डेट बताना है आपको। तो डेट था 18 मई 1974, ठीक है। 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट का परमाणु विस्फोट किया गया था भारत में, कहाँ किया गया था ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ किया गया था। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर संयंत्र इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था ये आपको कमेंट, ये आपको आंसर करना है अभी। तो ये था ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी, तो गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड से है, किससे है? बिलियर्ड्स से है गीता सेठी का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किनके कथन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसने कहा था? देखो कथन, जितना भी कथन आज आया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कथन है, लेकिन कुछ कुछ मैंने लेने का कोशिश किया है। आई होप कि आप सबों को ये आ रहा है, क्योंकि बहुत बार पुराने एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके कथन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये जवाहरलाल नेहरू के कथन है, ठीक है। देखो आज का जो आपका टारगेट है, ठीक है, वो मैं 35 ही रख रहा हूँ। अभी सारे टेस्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको 35 से 45 के बीच में आए, ठीक है। 35 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो आपके स्कोर ठीक ठाक हैं, ठीक है। और आज इसके बाद बहुत सारे कथन आए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको समझने का कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता है तो इतना जितना मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना ही चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको अच्छा खासा आज स्कोर आ जाएगा। तो क्या था क्वेश्चन? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा? वेदों की ओर लौटो, तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद, जल्दी बताओ, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो, एक और नारा है दिल्ली चलो, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसकी रचना है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसकी रचना है? ये हमारा झंडा गीत भी है, अगर आपसे पूछा जाए कभी झंडा गीत हमारा क्या है, तो हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्याम लाल गुप्ता, ठीक है, श्याम लाल गुप्त, श्याम लाल गुप्त ये हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता। अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किसने कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे बिल में है, तो ये दिल के जगह आप बिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल, किसने कहा था ये? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे बिल में है। अगला क्वेश्चन, श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था श्रमेव जयते। अगला क्वेश्चन, किसने कहा यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित,
यहाँ पे तिथिता नहीं होगा, तिथित, ठीक है। अग्रिम तिथित चेक है, किसने कहा यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है। अब आपको कमेंट में मुझे यह भी बताना है किसके रेस्पेक्ट में यह कहा था। यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा कहा गया था यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है। लेकिन आपको यह बताना है कि यह किस चीज के रेस्पेक्ट में गांधी जी ने कहा था। तीन क्वेश्चन आज मैंने पूछा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं जितने भी व्यूअर्स हो, जितने भी स्टूडेंट हो जो देख रहे हो, वो ये तीनों कमेंट में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है। आंसू पोंछना है, पहुंचना नहीं, पोंछना, आंसू पोंछना है, ठीक है। क्या था कोई स्टेटमेंट, किसने कहा कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है। प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना ये उनका अंतिम उद्देश्य था, या किसने कहा, ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा देश का पूजा ही राम की पूजा है। देश का पूजा ही राम का पूजा है, या किसने कहा, यह कहा गया था मदन लाल ढिंगरा के द्वारा, ठीक है। मदन लाल ढिंगरा ने कहा कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। अगला क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया, तो जय जगत का नारा दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। जय जगत का नारा किसने दिया, विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है। तो जितना नारा अभी आपके लिस्ट में आया, ठीक है, आई होप कि ये सब आप रट जाओगे आज के आज। अगला क्वेश्चन, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है। तो हिंडनबर्ग रेखा है, कल भी मैंने आपको कुछ कुछ बताया हुआ था, ठीक है, जो जल संधि है वो। आज मैं कुछ रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो आपको एक हिंट्स भी लेना है कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। मैं हर एक चीज़ को इंक्लूड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हो वो यहाँ से पढ़ के, आपको ये लग गया कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो इस फील्ड में आपको रिविज़न की ज़रूरत है, तो आप जाके आज के आज ही रिविज़न करो। ये होता है एक बेस्ट स्टूडेंट का पहचान। अगला क्वेश्चन, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है। तो किन दो देशों के बीच है, यह है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। अगला क्वेश्चन, 24वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा, देखो ये 24वीं और 49वीं ये दो चीजें हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो 24वीं अक्षांश रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, और 49वीं स्थान रेखा 49th पैरेलल लाइन ये किन दो देशों के बीच है, जल्दी बताओ। 49th पैरेलल लाइंस ये है अमेरिका, ठीक है, और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगी नॉट रेखा, इसको सीज फ्राइड रेखा, दूसरा एक और रेखा है सीज फ्राइड रेखा, ठीक है, या तो मैगी नॉट रेखा आपसे पूछा जाएगा या सीज फ्राइड आपसे पूछा जाएगा। तो ये किन दो देशों के बीच है, यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगी नॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोवा कब आजाद हुआ था। गोवा कब आजाद हुआ था यह आपको बताना है। गोवा को आजादी कब मिली थी, तो गोवा आजाद हुआ था 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन कब बना था। रामकृष्ण मिशन कब बना था, तो रामकृष्ण मिशन बना था 1897 में। अगला क्वेश्चन, जिन्ना ने किस वर्ष भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। यह मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो यह क्या गया था 1940 में।
अगला क्वेश्चन, दूसरा विश्व युद्ध किस तारीख को शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध किस तारीख को शुरू हुआ था यह आपको बताना है। जल्दी बताओ। तो दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मालगुडीज डेज के लेखक कौन हैं? मालगुडीज डेज के लेखक कौन हैं? मालगुडीज डेज, तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। यह है मालगुडीज डेज के लेखक। कंफ्यूज किया जाता है आपको के आर नारायण करके, ठीक है? तो मालगुडीज डेज के आर के नारायण हैं लेखक। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जल्दी बताओ। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? यह सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है? एक्चुअली में आपको पता होगा कि 1857 में भारत में युद्ध हुआ, ठीक है? और एक ऐसा सिचुएशन बन गया कि यहाँ का जो सत्ता है वह क्राउन के हाथ में चला गया। तो 1858 में जो फुल्ली यहाँ का सत्ता है वो क्राउन के हाथ में गया, और 1858 में ही जो महारानी विक्टोरिया थी उस वक्त क्राउन एम्प्रेस, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक घोषणा पत्र भारत के लिए भेजा भारत, और भारत में उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने ही पढ़कर सुनाया था। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच 1972 में हुआ? शिमला समझौता 1972 में किन दो देशों के बीच हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है, यह था इंडिया प्लस पाकिस्तान, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को नहीं आता होगा, यह है बारसूर में। बारसूर कोई बाहर का जगह नहीं है, बारसूर इंडिया में ही है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है? कहाँ है यह? है बारसूर छत्तीसगढ़ में, ठीक है? छत्तीसगढ़ में एक जगह है बारसूर, यहीं पे है मामा भांजा मंदिर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस एक रोग है, ठीक है, यह किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस, तो स्पॉन्डिलिटिस जो है यह मेनली प्रभावित करता है स्पाइंस को, ठीक है? स्पाइंस यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है? स्पॉन्डिलिटिस, स्पॉन से स्पाइंस याद रख सकते हो, ठीक है? स्पॉन्डिलिटिस मेनली स्पाइंस को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर का बात किया जा रहा है, तो विषुवतीय व्यास है 12756। आपको मैंने बोला हुआ है कि इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखो, 12756। यह है विषुवतीय व्यास पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा का संबंध किस राज से है? डोगरी भाषा का संबंध किस राज से है? तो डोगरी भाषा का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है? अब जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं रहा, एक पूर्ण राज्य नहीं रहा, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और ये आपका 1 नवंबर से ये वैलिड है, ठीक है? और दोनों जगह अलग अलग गवर्नर होंगे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको LG बोलते हैं, लेकिन खासियत ये होगा कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होंगे लेकिन लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो आपको
क्लियर रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? जल्दी बताओ। तो ब्राजील ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में स्थित है ब्राजील, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो ठोक ही सकते हो यार, ठीक है। और खुद ठोको और दूसरों से भी ठोकवाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस सेशन से बेनिफिट हो रहा है और आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हो। देखो, मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करूँ, ठीक है। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये वन लाइनर का जो मैंने स्टार्ट किया है, इसका मेन मोटिव मेरा यही है। यहाँ पे मैं न्यू क्वेश्चंस नहीं डालता हूँ, ठीक है, सिर्फ पुराने क्वेश्चंस डालता हूँ। हाँ, कुछ न्यू आ जाए जो आपको न्यू लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए रहते हैं, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना क्वेश्चन इसमें है वो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि ये न्यू चीज़ें हैं इस कारण से आप ऑनलाइनर में इसको आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करो तो आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर आपको फुल्ली कमांड रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल घोषित होते हो, नहीं तो नहीं होते हो। तो मेरा ये टारगेट है इस सेशन के थ्रू, मैं आपको याद करवा दूँ उन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये ऑनलाइनर है, ऑप्शन है नहीं, तो आप तुक्का लगा नहीं पाओगे। आपको आंसर आता है तो ये आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस सेशन को अच्छे से देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।